हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हो मेरा चैनल 360 सिक्योरिटीज। गाइस, आज जो मैं कैमरा लेके आया हूँ ये काफ़ी यूनिक कैमरा है, क्योंकि ये जो है हिकविजन का जो अल्ट्रा सीरीज़ है, यानी कि जो प्रोजेक्ट लाइन सीरीज़ है, उसका एक बहुत ही ज़्यादा इन डिमांड कैमरा के मैं वीडियो लेके आया हूँ। गाइज, ये जो कैमरा है बेसिकली 2 मेगापिक्सल का है, प्रोजेक्ट सीरीज़ का, विथ कलर नाइट विजन विथ इन बिल्ट ऑडियो। हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को हम इसको अच्छे से देखेंगे, इसका डे विजन, नाइट विजन, ऑडियो टेस्ट, रियल टाइम टेस्ट, सब कुछ आपको मैं करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं इंट्रो के बाद। तो गाइज, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। हिकविजन जो ब्रांड है, इन लोग का जो आईपी सीरीज है, इसमें 3 सीरीज पॉपुलर है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। 1 लाइन जो है वो बहुत बेसिक सीरीज़ होती है, जो रेगुलरली मतलब 90% 95% केस में वही हम लोग यूज़ करते हैं। वो होता है आपका, जो आपको हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर सब डिस्ट्रीब्यूटर, हर डीलर, हर सब डीलर, इंस्टॉलर, सब लोग जो है उस पर्टिकुलर मॉडल को यूज़ करते हैं। वो है आपका 1 लाइन आईपीसी सीरीज़, ठीक है। उसमें क्या रहता है, प्लास्टिक का बॉडी रहता है, हो सकता है कुछ मॉडल में ट्रू WDR नहीं है, हो सकता है किसी में भी आपको SD कार्ड का ऑप्शन नहीं मिले जिसमें आप ऑन बोर्ड स्टोरेज कर सके, तो वो लेकिन रेगुलर यूज़ के लिए बहुत बढ़िया, मतलब उसी को हम लोग ज़्यादा सेल करते हैं। फिर आता है 2 लाइन, 2 लाइन होता है जिसमें आपको ट्रू WDR मतलब क्या होता है कि आपका जो लाइट का इंटरफेरेंस होता है, जिससे आपका लाइट जब आप कैमरा में आता है उसमें कैसा आपको मतलब एक्सपीरियंस होता है, उसके लिए आपको ट्रू WDR अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा एक इमेज आता है। उसके बाद उसमें बहुत सारे मॉडल्स में आपको वैंडल प्रूफ कैमरा मिलता है, यानी कि वो डोम कैमरा भी जो होता है वो मेटल बॉडी का होता है, वैंडल प्रूफ रहता है। उसके बाद थर्डली उसमें जैसे कि आपको SD कार्ड का सपोर्ट जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैमराज देखने को मिलते हैं, वो होता है आपका 2 लाइन सीरीज़, ठीक है। वो भी चलता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं चलता है, आजकल लोग बहुत उसका भी डिमांड करते हैं, अपने पास भी बहुत सारा फिर उसका स्टॉक में रखते हैं। लेकिन ये जो 3 लाइन कैमरा है ये आपको बहुत कम जगह देखने मिलेगा। अब 3 लाइन आप बोलेंगे क्या है, देखिए कंज्यूमर लेवल यानी कि आप लोग पास जो माल पहुंचता है वो 1 या 2 लाइन का पहुंचता है, लेकिन जो हिकविजन में जो प्रोजेक्ट का जो सीरीज़ है ये हम लोग यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट्स। जैसे कि मान लीजिए किसी ने बोला कि मेरे को मेरे होटल पे 64 कैमराज चाहिए, तो हम उनको जब कोटेशन देते हैं हम लोग उनको बोलते हैं कि सर आप 1 लाइन का भी ले सकते हैं, आप 3 लाइन का भी ले सकते हैं। तो 3 लाइन मतलब ये नहीं होता कि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि अल्ट्रा सीरीज़ है, लेकिन इसका जो फीचर्स है हम जब इसको एज अ प्रोजेक्ट सेल आउट करते हैं तो बहुत अच्छा कस्टमर को डिस्काउंट मिलता है, उसके साथ में उसका क्वालिटी भी बेटर हो जाता है। तो आप सोचेंगे इसमें क्या बेनिफिट है। गाइस, जैसे कि इसमें आपको मैक्सिमम जो कैमराज है, मैक्सिमम कैमराज आपको वैंडल प्रूफ देखने को मिलेगा, यानी कि वो डस्ट प्रूफ IP67 रेटेड यूजली रहता है। उसके बाद आपका वाटर प्रूफ रहता है IP67, मैंने बताया आपको। फिर आपका इसमें गाइज मोस्ट ऑफ देम में इनबिल्ट ऑडियो भी होता है। एक्यूसेंस सीरीज़ जो बोलते हैं हम लोग, उसमें भी बहुत सारे हाई एंड मॉडल्स जो है 3 लाइन में मिलते हैं आपको। फिर जो आपके वेरीफोकल कैमरा, जो ANPR कैमरा जो बोलते हैं, जिससे नंबर प्लेट देखा जाता है, वो 1 में भी आते हैं, 2 में भी आते हैं, लेकिन 3 वाला जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। सिटी सर्वेलेंस हुआ, या फिर मान लीजिए किसी का फैक्ट्री हुआ, किसी को चाहिए कि अपने एंट्री एग्जिट के टाइम पे, किसी का अपार्टमेंट में हुआ कि अगर किसी का बूम बैरियर जो होता है, जो गेट खुल जाता है, वो सब में हम लोग कस्टमर को एक प्रोजेक्ट सीरीज़ देते हैं। उसमें क्या मिलता है, हम लोगों को कंपनी से एक अच्छा सपोर्ट मिलता है कि सर ये एक प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट चाहता है कि ये 100 गाड़ी जब आए घर पे तो गेट खुले, और ये 100 गाड़ी के अलावा और कोई गाड़ी आए तो गेट ना खुले। तो उसके हिसाब से हम कंपनी से एक सोल्यूशन लेते हैं, फिर कंपनी हमें इन 3 लाइन प्रोजेक्ट में से कुछ कुछ कैमराज चूज करके देते हैं। तो मैं हिकविजन से तकरीबन 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा इस चीज़ से नॉलेज नेचुरली हो गई है। तो इसलिए मैं आपको, जो YouTube ऑडियंस है मेरे, मैं आपको इस टाइप के भी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ, क्योंकि आप लोग में से भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको बहुत हाई एंड सेटअप चाहिए होता है, जिनके लिए बजट इशू नहीं होते हैं। तो IP कैमरा का क्वालिटी वैसे अच्छा रहता है, एनालॉग कैमरा से आपको पता ही है, लेकिन IP में भी अगर आप 3 लाइन लेते हो, हल्का सा प्राइस डिफरेंस हाई रहेगा, लेकिन जो क्वालिटी, जो बिल्ड क्वालिटी, जो अंदर का जो PCB का क्वालिटी है, प्रोजेक्ट मतलब क्या हुआ, बहुत हाई एंड मटेरियल से बनता है ये सब चीज़। कंपनी का एक ही इसमें पॉलिसी रहता है कि हम जब प्रोजेक्ट में दे रहे हैं तो हमें उतना सोचना पड़ेगा कि ये एक बल्क ऑर्डर आ रहा है, तो उसलिए हम लोग इसमें बेस्ट से बेस्ट फीचर्स दे सके ट्रू WDR। जैसे कि इस पर्टिकुलर मॉडल में आपको 120 dB का ट्रू WDR देखने को मिलेगा, वो सब मैटर इसमें आ जाता है, ठीक है। तो आई होप वो समझ में आया कि
थ्री लाइन आईपीसी मतलब क्या होता है हिकविजन जो ब्रांड है उस पर्टिकुलर सीरीज में। तो गाइस ये जो पर्टिकुलर मॉडल है इसमें आपको आउटडोर मॉडल है, इंडोर भी है मेरे पास, आउटडोर वाला का मैं वीडियो इनडेप्थ बना रहा हूँ ताकि यूजुअली जो आउटडोर इसको लोग लगाते हैं, ये मॉडल में आपको 2 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा, पहला बात। दूसरा बात, इसमें इनबिल्ट माइक है, यानी कि इसमें आप ऑडियो जो है वीडियो तो देख ही पा रहे, ऑडियो भी आप सुन पाएंगे, बहुत अच्छा क्वालिटी, वो भी आपको मैं सुनाऊंगा थोड़ा देर में। तो ये आपका दो फीचर हुआ। तीसरा फीचर हुआ गाइज इसमें कलर नाइट विजन। आप बोलेंगे सर कलर नाइट विजन तो कलर व्यू कैमरा होता है, करेक्ट, इसमें भी देखें कलर व्यू कैमरा बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन ये इसका जो कलर व्यू, क्योंकि आईपी में भी आपको मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, ऊपर आई बटन में आप क्लिक करके देख सकते हैं, उसमें मैंने ऑलरेडी वन लाइन आईपीसी कैमरा के कलर वीडियो के बारे में, कलर व्यू आईपी कैमरा के बारे में वीडियो बना रखा है। लेकिन आप उस वीडियो को जब देखेंगे, आप इस वीडियो को जब देखेंगे, उसका 4MP से बेटर है इसका 2MP। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो इनबिल्ट जो सेंसर का साइज़ है, जो रेजोल्यूशन है, जो TrueWDR का फीचर है, वो इतना ज़्यादा स्टेबल है कि आप बोलेंगे कि सर ये तो 2MP का होते हुए भी, यानी कि उससे सस्ता रेट में आपको ये मिल जाएगा, ये आप हमें दीजिए। तो मैं क्योंकि आप लोग से इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, आप लोग इतना ज़्यादा ऑर्डर्स देते हो मेरे को, एवरी डे मेरा 5 to 6 ऑर्डर डिस्पैच हो रहा है, एंड बिजनेस का आप कह सकते हैं कि बहुत एक नई दिशा में जा चुका है मेरा बिकॉज ऑफ ऑल यू गाइज। तो मैं आप लोग के लिए भी ये सीरीज़ को ओपन कर रहा हूँ, इसमें यही कैमरा नहीं और भी अच्छे से एडवांस कैमराज है, वो भी मैं आपको बहुत जल्दी जो है बताऊँगा उस बारे में। तो वो सब कैमराज भी आप मेरे से परचेस कर सकते हो, आप सिंगल पीस भी ले सकते हो, ऐसा बात नहीं कि आप प्रोजेक्ट सुनेंगे तो आप बड़ा ऑर्डर ही देंगे मेरे से, आप एक पीस लीजिए, चाहे आप पूरा घर का सेटअप लीजिए, चाहे आप मिक्सअप कर लीजिए कि मेन गेट मेन एंट्रेंस में 3 लहंगा दे दीजिए, अंदर में 1 लहंगा दे दीजिए, लेकिन आप जब प्राइस सुनोगे मेरे से, आप जब मुझे व्हाट्सएप करते हो, जब मैं आपको प्राइस बताता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर में, आपको तब रियलाइज़ होगा कि हाँ यार 200-300 रुपया के लिए आई शुड गो विद सीरियन कैमरा, आपका माइंड सेट ये बोलेगा। तो आई होप आपको ये जो बेसिक क्लैरिटी आ गया है, मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप कन्फ्यूज रहो कि सर इतना सारा कैमराज है विच टू चूज विच नॉट टू चूज। तो अगर आपको हाई एंड सेटअप चाहिए, बजट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट ऑफ एन इशू, गो विथ सच कैमरा। इसमें नॉर्मल कैमरा भी आते हैं यानी कि विदाउट ऑडियो वाले, लेकिन इसका रेट ही इतना कम रहता है इतना फीचर्स के साथ में कि ऑब्वियसली आप विथ ऑडियो लेना चाहोगे। तो जैसे ये आपका आईपी सीरीज में होगा गाइज, मेरे पास सेम आपका एनालॉग में भी है, यानी कि एनालॉग कैमरा जो अपना HD कैमरा जो बोलते हैं यूजुअली, इसका भी ये जो मॉडल है हिकविजन का, ये भी 2 मेगापिक्सल का है, इसमें भी आपका कलर व्यू है, यानी कि रात को कलर इमेज आएगा, और इसमें भी बिल्ट इन ऑडियो है, लेकिन ये आपका कलर व्यू कैमरा हुआ इन एनालॉग सीरीज़। तो इसका जैसे बुलेट भी अवेलेबल है, मैं जैसे डोम आपको सैंपल के लिए बता रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है गाइज, ये एनालॉग सीरीज हुआ तो ये आपका DVR में जाएगा, ये आपका IP सीरीज हुआ तो IP कैमरा का NVR में जाएगा, राइट। तो ये दो अलग अलग सेटअप हुआ, आपको ये बात जो है समझना पड़ेगा कि ये जो कैमरा है, ऐसा बात नहीं कि आप बोलेंगे सर हमें तो एनालॉग चाहिए सस्ता, आप ले सकते हो सस्ता भी, लेकिन आपको अपना प्रायोरिटी समझना होगा कि मेरे को क्या चाहिए, एनालॉग चाहिए या मेरे को एक बढ़िया आईपी कैमरा चाहिए। अगर आपका रिक्वायरमेंट 4 से 6-8 कैमरा का है बेसिक रिक्वायरमेंट, तब इसको लीजिए। अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि मेरे को 4 ही कैमरा चाहिए लेकिन मेरे को सबसे लेटेस्ट कैमरा चाहिए, बजट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्वालिटी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले 10-20 साल में मुझे सर्विस का इशू नहीं होना चाहिए, तो आप आईपी कैमरा को प्रीफर कीजिए डेफिनेटली, ठीक है। ये आपका बेसिक मैंने बताया गाइज। ऑलरेडी मैंने आपको इस एडवांस सीरीज में मैंने जैसे कि एक कैमरा का वीडियो बनाया था, वो है जैसे ये वाला, यह अपना 4 मेगापिक्सल का आईपी बुलेट कैमरा विथ एक्यूसेंस विथ स्ट्रोब लाइट एंड विथ इनबिल्ट साइरन। इसका मॉडल नंबर है DS2CD2T46G2-ISU/SL। इसको आप लोग ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इसका अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्राइम बटन में देख लीजिए, बहुत शानदार क्वालिटी है। लेकिन आपने जैसे मेरा मॉडल नंबर सुना DS2CD2T, ये जो 2T आया, जो 2 वर्ड आया, ये जो 2, इसका मतलब ये 2 लाइन का कैमरा हुआ, ठीक है। ये जो कैमरा है इसका मॉडल नंबर है DS2CD3027G0E-LUF। ये जो 3027 जो मैंने ये 3 बोला, ये 3 मतलब हुआ, ये 3 लाइन का हुआ। उसी तरीके से एनालॉग में तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन नहीं होते, लेकिन मैं इसका मॉडल नंबर बता देता हूँ। इस पर्टिकुलर मॉडल नंबर है DS2CE70DF3T-MFS, ठीक है, ये इसका मॉडल नंबर, ये डोम मॉडल हुआ, इसका बुलेट का भी मॉडल आता है। तो गाइस इसको आपने जितना प्यार दिया, आप सोच सकते हो कि एक 2 लाइन आईपीसी कैमरा विथ एक्यूसेंस फीचर्स में आपको इतना क्रिस्टल क्लियर इमेज है, आप लोग ने इसको इतना ज़्यादा प्यार दिया। आई हैव सोल्ड मोर देन आई गेस 100 पीसेस सो फार, एंड ऑल ओवर इंडिया से आप लोग ने इतना सारा ऑर्डर दिया है, दुबई से ऑर्डर आया है,
यूके से ऑर्डर आया है, श्रीलंका से ऑर्डर आया है, सो आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो गाइज इसी सीरीज से कंटिन्यू करते हुए मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ हिकविजन का 5 मेगापिक्सल का 3 लाइन का एक्यूसेंस अल्ट्रा सीरीज। ये आपका आप कह सकते हैं इसके बड़े भैया है। ये 4 मेगापिक्सल 2 लाइन का था, ये 5 मेगापिक्सल 3 लाइन का है। इसका मॉडल नंबर है DS2CD3T56G2-4IS। काफ़ी बढ़िया कैमरा गाइस, 5 मेगापिक्सल का बुलेट कैमरा को देखने को मिल जाता है विथ एब्सोल्युटली फिनोमिनल क्वालिटी। एंड मैं आपको बता रहा हूँ इसका क्वालिटी, जब इसका वीडियो रिलीज़ करूँगा मैं, शायद 2 या 3 वीडियो के बाद में इसका वीडियो रिलीज़ करूँगा, आप वो भी देखेगा। ऑब्वियसली गाइस 5 मेगापिक्सल है तो दाम भी थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन आप जब क्वालिटी देख लोगे आप माइंड ब्लोन हो जाएगा आपका। आप सोच सकते हो 4 का क्वालिटी कितना अच्छा था, 5 का ऑब्वियसली कितना अच्छा होगा। मैं एक बार इसको भी जो है साइड रख देता हूँ। अब आप सोचोगे कि और क्या है आपके पास हाई एंड में, तो गाइज मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ हिकविजन का 8 मेगापिक्सल का 3 लाइन आईपीसी का आईपी एक्यूसेंस कैमरा। काफ़ी लंबा नाम हो रहा है गाइज, लेकिन आप लोग के लिए मैं एक बार डिस्प्ले कर रहा हूँ, DS2CD3T86G2-4IS। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे इसमें 3T56 था, इसमें 3T86 है, बस ये डिफरेंस है। आप बोलेंगे सर इतना एक्सपेंसिव कैमरा का क्या काम है, तो गाइज जिसको क्वालिटी चाहिए होता है वो हमेशा जो है इस टाइप का ही कैमरा को प्रेफर करता है। तो बस मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो सीरीज़ है काफ़ी हाई एंड सीरीज़ है, आने वाले दिनों में मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा और इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। इसको मैं अपना जो एक्यूसेंस NVR है 16 चैनल का विथ इनबिल्ट POE, उसके साथ में इसका आपका रियल टाइम टेस्ट करके बताऊंगा, एक्यूसेंस का सारा फीचर्स बताऊंगा। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो फटाफट चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो आप लोग उसको मिस ना करें। तो चलिए इसको मैं क्लीन अप करके आपको क्वालिटी जो दिखाता हूँ। तो चलिए गाइज अब मैं आपको इस जो कैमरा जिसके ऊपर आपने वीडियो क्लिक किया है 2 मेगापिक्सल का आईपी कलर व्यू बुलेट कैमरा 3 लाइन आईपीसी का विद इनबिल्ट ऑडियो, इसका सबसे पहले आपको मैं मॉडल नंबर वापस बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन आ रहे, DS2CD3027G0E-LUF। जैसे गाइज इसका 4 मेगापिक्सल वाला भी अपने पास अवेलेबल है, 4 में क्या रहता है 3027 के जगह 3047 आ जाएगा, ठीक है। 4mm का लेंस है, इसमें आप चाहे तो 4 ले सकते हैं मेरे से, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, आपको जो mm चाहिए आपको दे दूंगा। जितना ज़्यादा mm उतना ज़्यादा मीटर, यानी कि उतना दूर का आप देख पाएंगे कैमरा। जो 4mm होता है स्टैंडर्ड है, 4mm में आप 25 से 30 मीटर तक का क्लैरिटी से देख पाओगे, 6mm में आपको 50 से 55 मीटर तक आप देख पाओगे, 8mm में अप टू 80 मीटर तक भी देख पाओगे। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा आपको कौन सा मॉडल चाहिए, आप जो बताओगे मैं आपको उसके हिसाब से रेट्स दे दूंगा। सबसे बड़ा बात गाइस, ये जो प्रोडक्ट है हाई एंड होते हुए भी 100% मेक इन इंडिया है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में इनका फैक्ट्री है, जहाँ पे मैं गया था वसाई में। आप अगर वो वीडियो नहीं देखा जब मैंने हिकविजन का फैक्ट्री विजिट किया था, ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं, उसमें जो प्रमा हिकविजन इंडिया के जो MD & CEO आशीष जी, उनके साथ मैंने पूरा फैक्ट्री टूर किया था। तो ये जो प्रोडक्ट है बहुत खुशी लगती है कि ये उसी फैक्ट्री से ये माल जो निकल के आया है, यानी कि इम्पोर्टेड नहीं है, 100% मेक इन इंडिया है, मैन्युफैक्चर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय प्रमा हिकविजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको कुछ लोगों को डाउट होता है कि सर चाइनीज़ कंपनी है, चाइनीज़ प्रोडक्ट है, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत खुशी की बात है कि इतना हाई एंड कैमरा भी आज के दिन में इंडिया में आपको देखने को मिल रहा है। MRP है गाइज 8900, यानी कि 9000 रुपये के आसपास का कैमरा है। लेकिन आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हो मेरे को, इतना ज़्यादा लव देते हो मेरे को, तो आप तकरीबन मान के चलिए 30% के आसपास का मैं आपको डिस्काउंट भी जो इसमें अपफ्रंट देने का पूरा कोशिश करूँगा। डिपेंड करता है आपके ऑर्डर पर, यदि आप बस कैमरा लेते हो या आप NVR लोगे, हार्ड डिस्क लोगे, कितना कैमरा लेंगे उस पर डिपेंड करता है, राइट। तो वो जब आपका पूरा सेटअप आएगा, सर मेरे को 4 पीस आउटडोर दे दीजिए ये कैमरा, 2 पीस इंडोर दे दीजिए नॉर्मल 2MP का, 1 पीस मेरे को एक्यूसेंस दे दीजिए 4MP का, इस टाइप से आप जब मेरे को बताओगे उस टाइम पे हो सकता है मैं आपको 30% के जगह 35% तक भी डिस्काउंट जो है दे दूंगा। तो ये था आपका बेसिकली इसका मॉडल नंबर और इसका बिल्ड मैन्युफैक्चर कहाँ से हुआ था। बॉक्स में देख लीजिएगा, सबसे पहले देखने को मिलेगा अल्ट्रा सीरीज़ लिखा हुआ है। जैसे मैंने पहले कहा, अल्ट्रा वर्ड से आप समझ जाओगे, आप कह सकते हो आईफोन प्रो जो मॉडल आता है, राइट, आईफोन में भी आप कह सकते हैं, अभी आईफोन 14 लॉन्च हुआ था तो उसमें आईफोन 14 का 2 मॉडल आया था और प्रो का 2 मॉडल आया था, तो आप कह सकते हैं कि ये मतलब प्रोफेशनल लोगों के लिए होगा कि प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं, उसमें अल्ट्रा सीरीज जहाँ पे क्वालिटी का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। और प्राइस जैसे मैं बताऊँ 9000 में बताया आपका MRP है, 30% डिस्काउंट देके मोटा मोटी मान के चल 6000 के आसपास भी अगर आपको 2 मेगापिक्सल कलर व्यू विद ऑडियो मिल रहा है, काफ़ी अच्छा प्राइस में आपको मिल रहा है। क्योंकि यदि आप ऑनलाइन में जाएंगे तो 2 मेगापिक्सल विद कलर व्यू विद ऑडियो
आईपी में तो आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, और अगर आप बस 2 MP कलर व्यू में जाएंगे तो आपको बहुत हाई एंड मिलेगा, यानी कि 5000 के आसपास देखने को मिलेगा। तो आपको 6000 के आसपास में अगर 3 लाइन 2 MP विथ ऑडियो देखने को मिल रहा है विथ कलर व्यू, तो इट्स अ नॉट एट ऑल अ बैड डील। ठीक है, अब चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं बॉक्स में फीचर क्या क्या है, बिल्ड क्वालिटी सब आगे हम लोग देखते हैं। तो गाइस चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि किट में क्या क्या देखने को मिलता है। हमेशा अच्छा लगता है जब मैं ऑन कैमरा कोई प्रोडक्ट को अनबॉक्स करता हूँ, ऐसे तो हम लोग का डेली का 3 से 4 सेट का इंस्टॉलेशन रहता है, लेकिन जब आप लोग के लिए वीडियो का समय निकाल पाता हूँ मैं, तो गाइस दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको एक ड्रिल टेम्पलेट देखने को मिलता है, इसमें बेसिकली स्क्रूज का मार्किंग देता है, आप इसे मार्क करके अपना कैमरा को एग्जैक्टली प्लेस कर सकते हो। वाटरप्रूफ करने के लिए हाउसिंग दिया जाता है, आप जब कैट 6 केबल इंस्टॉल करते हो तो आप हाउसिंग को जो है पक्का यूज़ किया कीजिए। मैं आपको बता दूंगा इसको, मतलब आप टेक्नीशियन को बता दीजिएगा कैसे इसको यूज़ करना है। और हिकविजन देखिए एक इलौती कंपनी है जो हर आइटम के साथ में एक वाटरप्रूफ करने का टेप दिया जाता है। आप बोलेंगे इसका क्या काम है, गाइस इसका बहुत काम आता है। आपका जो पीवीसी बॉक्स के ऊपर जिसमें आप कैमरा लगाते हैं उसमें अगर आप इसको यूज़ कर लेंगे और साथ में टेप लगा देंगे, यानी कि जो भी होल रहता है जहाँ से तार जो अंदर घुसता है उस होल में अगर आप इसको उसका माउथ में अगर आप इसको लगा दोगे इस टेप को, बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्शन होता है, पानी घुसने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब कभी भी कैमरा में आपका चाहे आंधी आ जाए तूफान आ जाए, ये जो आप देख रहे हैं ये जो टेप देख रहे हैं ये टेप को आप अगर उसमें देखें ऐसे करके आप लगा देंगे ऐसे करके, तो कभी भी इसके अंदर जो है पानी जो है नहीं घुसेगा, ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। फिर आपको स्क्रूज एंड पीवीसी क्लैडिंग मिलती है इसको टाइट करने के लिए, और ये रहा अपना फैबुलस कैमरा गाइस। वाओ, एक सिलिकॉन भी दिया जाता है ताकि वाटर होने से इसको डैम कर सके गाइस, मतलब वाटर सक कर सके गाइस। गाइस इसको क्लोजअप देखते हैं, आपको बताते हैं इसका और भी जो फीचर्स है वो सब। तो गाइस ये देखिए अपना कैमरा, सबसे पहला बात 100% मेटल, देखिए यानी कि इतना रोबस्ट IP67 ऑफिशियल 120 dB का WDR 2 MP का जो लेंस है गाइस। आप बोलेंगे कि क्या डिफरेंस होता है सर 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में, तो ये जो लेंस है फिजिकल लेंस जो आप देख रहे हो इसको अगर आप एक 2 MP का IP कैमरा के साथ कंपेयर करेंगे, एक मैं काम करता हूँ आपको मैं दिखा देता हूँ। 2 MP का कैमरा मेरे पास शायद एक पीस में खोल कर रखा हुआ था, मैं काम करता हूँ दिखा देता हूँ, 2 मिनट रुकिए। तो गाइस देखिए ये जो कैमरा है मेरा, ये मेरा कोई सर्विस का कैमरा आया हुआ था किसी क्लाइंट का, देखिए ये 2 MP है, ये भी 2 MP है, लेकिन दोनों का लेंस में इतना ज़्यादा डिफरेंस है गाइस, यानी कि दोनों का जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें ही इतना डिफरेंस है। क्वालिटी में तो नो डाउट डिफरेंस होगा ही, लेकिन जो फिजिकल अपीयरेंस है, मैं जूम शॉट भी अभी दिखा दूंगा आपको, तब समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा कंपनी में डिफरेंस आ जाता है आप हल्का सा अगर बजट को अगर हाई करते हैं। इसको मैं साइड में रखता हूँ और बताता हूँ गाइज आपको इसके बारे में। गाइज देखिए सबसे पहले ये जो नीचे दिखाई दे रहा है आपको, ये है कलर व्यू का सेंसर, यानी कि रात को जब कलर व्यू होगा आपको इसी सेंसर की वजह से आपको कलर व्यू का इमेज आएगा। और ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है छेद, इसमें पहले इसको मैं जो है अनरैप कर देता हूँ। वाह, वेरी सेटिस्फाइंग गाइज। तो गाइज इसमें ये जो ऊपर का पॉइंट है यहाँ पे आपको माइक का जो प्रोविजन जो है देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा गाइस बात है जो फ्रंट का जो पैनल है ना, बहुत ग्लॉसी मतलब दिया गया है। और आप देखिए छोटा पैक में बड़ा धमाका, देखिए इस कैमरा का फुटप्रिंट देखिए, देखिए अगर मैं इसको ऐसे लगा दूंगा कहीं पे, देखिए इस एंगल से देखिए कितना छोटा सा कैमरा है देखने में, लेकिन कितना पावरफुल। देखिए हिकविजन का लोगो देखिए आप, कलर व्यू है तो अलग ही टाइप का, मतलब इसका देखिए प्राइमरी कलर जो है उसको यूज़ करके इन्होंने कितना अच्छा एक सिंबल टाइप का दिया है, ताकि आदमी दूर से पहचान जाए कि ये कोई छोटा मोटा कैमरा नहीं है, ये कलर व्यू कैमरा है। गाइस एक और इंटरेस्टिंग मैं बता रहा हूँ, इसमें देखिए पीछे में एक पैनल एक बोर्ड दिया हुआ है, ठीक है इसको मैं अनस्क्रू करके दिखाता हूँ कि अंदर आप क्या क्या इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो गाइस अभी इसको जो है अनस्क्रू कर देखते हैं कि इस पैनल के पीछे जो है क्या क्या आपको ऑप्शंस मिल जाता है। तो गाइस देखिए सबसे पहला बात है यहाँ पे आपको एक रीसेट का बटन जो है दिया जाता है,
यानी कि अंदर में यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं। रीसेट कब करना है आपको, मान लीजिए आप अपना कैमरा का पासवर्ड भूल गए हो, आपका NVR में कुछ इशू हो गया, या आपने कैमरा को नया जगह पे शिफ्ट करना है, आपको याद ही नहीं है आपने किस फ़ोन पे इसको ऐड किया था, उस टाइम पे इसको हम लोग हार्ड रीसेट बोलते हैं। यानी कि आप इसमें प्रेस करेंगे तो कैमरा जो है डिफ़ॉल्ट मोड में चला जाएगा, 5 सेकंड्स तक प्रेस करने से कैमरा जो है ऑटोमेटिकली मतलब नया जैसा हो जाएगा। और गाइस इसमें देखिए यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड डालने का भी जगह है, यानी कि इस कैमरे को मैं जो हूँ डायरेक्टली इसमें SD कार्ड डाल के रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। ये वाईफाई कैमरा नहीं है, हालांकि इसको मैं चाहूँ तो मैं राउटर के थ्रू लगा के इस कैमरे को मैं अपना नेटवर्क में कनेक्ट करके IP के थ्रू एज अ स्टैंड अलोन कैमरा यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो करूँगा नहीं क्योंकि ये कैमरा उसके लिए बना नहीं। आप बोलेंगे कि इसमें SD कार्ड का क्या फ़ायदा हुआ? गाइस SD कार्ड का फ़ायदा होता है जिस NVR में ANR फीचर होते हैं। ANR मतलब क्या होता है? एडवांस्ड नेटवर्क रिप्लेसमेंट। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट सीरीज मैंने कहा ना आपको, प्रोजेक्ट में क्या होता है क्लाइंट को कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग चाहिए होती है, यानी कि एक भी ब्रेक नहीं चाहिए। तो मान लीजिए ये कैमरा मेरा लगा हुआ है, एक प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, मान लीजिए 10 कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए 10 में से 3 कैमरा एक POE में गया है, POE से अपना मेन सर्वर तक एक वायर में गया तार। अब मान लीजिए रिकॉर्डिंग सब हो रहा, सब कुछ हो रहा है, बारिश हुआ, कोई शैतानी हुई, कुछ भी हुई, वो जो एक केबल है मेरा उसको किसी ने काट दिया, या वो टूट गया, या वो ख़राब हो गया, तो क्लाइंट का ये 3 कैमरा का तो रिकॉर्डिंग टूट जाएगा क्योंकि कनेक्शन टूट गया है। लेकिन अगर आप वो तीनों कैमरा में एक SD कार्ड इंसर्ट करके रख दोगे तो क्या होगा, आपका कैमरा जो इतना एडवांस्ड है, ये कैमरा में क्योंकि ANR फीचर है और NVR में ANR फीचर है, दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तो आपका जब रिकॉर्डिंग देगा, जब बाद में अपना तार ठीक करके आप जब उसको वापस से कनेक्ट करोगे तो NVR ऑटोमेटिकली आपका जो कैमरा का रिकॉर्डिंग था इस पर्टिकुलर 3 कैमरा का, ये उस पॉइंट तक तो हार्ड डिस्क का रिकॉर्डिंग को प्ले करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली इससे डेटा जो है ले लेगा और फिर वापस से हार्ड डिस्क डेटा कंटिन्यू कर देगा। इसका मतलब आपको कहीं भी जो है ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा। तो वो तभी हो पाएगा जब आप एक एडवांस्ड कैमरा के साथ एक एडवांस्ड NVR लेते हो, यानी कि प्रोजेक्ट सीरीज या फिर एक्विसेंस NVR सीरीज, जैसे कि आई सीरीज हुआ प्रोजेक्ट सीरीज और NXI होता है एक्विसेंस सीरीज। तो उस सीरीज का जो हाई एंड NVR हुआ उसके साथ अगर आप एक 2 लाइन या 3 लाइन का कैमरा जोड़ते हो जिसमें आपका SD कार्ड का ऑप्शन होता है, तो आपको ये एक एडिशनल बेनिफिट जो है मिल जाती है। ये तो छोटी छोटी बातें होती है जिससे काफ़ी डिफरेंस आ जाता है ओवरऑल यूसेज में, लेकिन अगर नॉलेज नहीं इसके बारे में लोगों को तो हो सकता है आप पैसा भी दे रहे हो, आप पैसा भी लगा रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल पम्प हुआ, गोल्ड शॉप्स हुआ, या फिर आपका हॉस्पिटल्स हुआ, ये सब हाई एंड जहाँ पे सेंसिटिव एरियाज है वहाँ पे आपको ये सब जो मॉडल है ये सब देने से आपको बहुत एक, अगर आप एक इंस्टॉलर हो तो इससे प्रोडक्ट्स में आप अच्छा मार्जिन भी रख सकते हो, क्योंकि कस्टमर को क्वालिटी चाहिए। जब क्वालिटी देख लेगा तो आप जो पैसा वो आप 1800 में भी अगर देते हैं किसी को, MRP में देते हैं, वो भी बंदा खुशी खुशी देगा क्योंकि उसको इतना अच्छा क्वालिटी देखने को मिल रहा है, राइट? तो उसको वर्थ इट लगेगा प्राइस का, जो जो फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप एक कंज्यूमर हो, आप एंड कंज्यूमर हो, अगर आप मेरे से परचेस करते हो ऑलरेडी आपको ऑफर 30% डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, प्लस आपको ये भी बेनिफिट मिल रहा है कि आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है तो आपको रिटर्न्स जो है अच्छा मिल रहा है, वैल्यू फॉर मनी जो बोलते हैं हम लोग, वो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो वो आपको देखने को जो मिल जाते हैं। अब मैं काम करता हूँ गाइज, अच्छा इसका कनेक्शन रहेगा बता देता हूँ आपको। गाइज पीछे में देखें नॉर्मल RJ45 का एक पोर्ट दिया हुआ है, इसको POE इनेबल्ड है और एक लोकल पावर सप्लाई के लिए भी एक DC 12V 1A का एक पोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। और गाइज एक और बता देता हूँ, इसका बॉडी, पीछे का ब्रैकेट और बीच का माउंट, तीनों का तीनों आपका प्योर मेटल है। बहुत बार क्या होता है कंपनी मिक्स कर देती है, आगे मेटल दे देती है, पीछे फाइबर दे देती है, ये सब सीरीज़ में, हाई एंड सीरीज़ में आपको 100% जो है मेटल ही देखने को मिलता है। इसका फ़ायदा ये रहता है कि बहुत ज़्यादा लॉन्जिविटी होती है, एक बार लगा लिया तब मान के चले 10 साल 20 साल आपको मतलब देखना नहीं कैमरा को खोल के, बस आपका कनेक्शन जैसे मैंने कहा वाटरप्रूफ करिए अच्छे से, प्योर कॉपर का केबल यूज़ कीजिए, अच्छा ब्रांड का RJ45 लगाइए, POE स्विच सब बढ़िया यूज़ कीजिए। तो गाइज अब मैं काम करता हूँ इस कैमरे को अपना एक आउटडोर में माउंट करता हूँ, आपको इसका डे विजन, नाइट विजन, रियल टाइम फुटेज, ऑडियो का सैम्पलिंग सब कुछ सुनाता हूँ, आपको पता चलेगा कैमरा का कैसा दम है, कैसा क्वालिटी है नहीं है, एंड फिर आप जज करके बताएगा आपको कैसा लगा ऐसा क्वालिटी। एंड अगर आपको आइटम लेना है तो आपको पता क्या करना है, नीचे देखिए स्क्रीन के आगे यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर आ रखा है, आपको व्हाट्सएप में मेरे को बताना है आपका रिक्वायरमेंट्स, लेकिन सर प्लीज़ और प्लीज़
ऑफिस आवर्स में बताया कीजिए, यानी कि 10 AM से 7 PM मंडे टू सैटरडे। एंड प्लीज़ सबसे पहले व्हाट्सएप कीजिए अपना रिक्वायरमेंट जो बताइए, उसके बाद मैं आपको प्राइसिंग, ओवरऑल स्ट्रक्चर, आपको क्या क्या चाहिए नहीं चाहिए, अगर आपको मुझसे बात करना है, कोई डाउट क्लियर करना है, टेक्निकल डाउट क्लियर करना है, तो आप मेरे को बताइए कि आपसे बात करना है, आपको एक टाइम देंगे, उस टाइम फ्रेम पे बात कीजिएगा। वरना क्या होता है ना, वर्क मैनेज करना गेट्स वेरी टफ, फिर आप लोग को भी होता है कि रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ मत कीजिए, व्हाट्सएप को छोड़ दीजिए। 1 से 2 दिन में आपको रिप्लाई 100% जाएगा, मैं खुद रिप्लाई करता हूँ एक एक मैसेजेस का, थोड़ा टाइम लगता है उसमें गाइस, तो आपको थोड़ा पेशेंस जो है उसके रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आपको जो है इसका रियल टाइम टेस्ट दिखा देता हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हैं, अभी जो मैं अपने ऑफिस के बाहर आया हूँ आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए। देखिए सबसे पहले दिखा देता हूँ अपने पास एक्यूसेंस का, देखिए 4 MP, 5 MP, 8 MP प्रोजेक्ट सब कुछ हम लोग स्टॉक में रखते हैं। और जो आप लोग जब ऑर्डर करते हो इस तरीके से बबल रैप हम लोग जो है यूज़ करते हैं, ऐसे कार्टून अपने पास में जिसमें हम पैकिंग करके भेजते हैं। तो बस आपको मतलब समझ में आया कि आपको दिखा देता हूँ, मौका मिला तो दिखा दिया। देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आपको एक डेमो देंगे कैमरा का, ऑडियो क्वालिटी प्लस आप साथ में वीडियो का भी देख सकते हैं। देखिए गाइज अभी टाइम हुआ है 7:10 एंड आप देख सकते हैं अभी काफ़ी अंधेरा हो चुका अपने यहाँ पे, लो लाइट है, कहीं पे लाइट है, कहीं पे लाइट नहीं है। आप देख सकते हैं कि हम लोग किस पॉइंट पे अभी खड़े हैं, एक हाइट पे अपना 4th फ्लोर पे अपना ऑफिस है। और हम लोग अभी जैसे आपको मैं कैमरा के पास जाके दिखा देता हूँ, जैसे ये देखिए ये मैं कैमरा का फुटेज आपको मैं दिखा देता हूँ, आप मेन कैमरा में देखिए कैसा लाइट आ रहा है, और कैमरा का फुटेज में देखिए कितना बेहतरीन क्वालिटी आपको जो देखने को मिल जाता है। कैमरा से तकरीबन मैं अभी आप कह सकते हो 10-11 फीट दूर हूँ। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं जो ऑडियो आपको सुनाई दे रहा है ये इस कैमरे का ऑडियो है। मैं नॉर्मली एकदम बहुत नॉर्मल वॉइस में बोल रहा हूँ, हमने एडिटिंग में कुछ इसको सही बनाया नहीं है, मैंने कुछ इसको बूस्ट नहीं किया ऑडियो को। आप देख सकते हैं पीछे गाड़ी का हॉर्न, गाड़ी का आवाज़, बहुत कुछ जो है आपको सुनाई देता है, और हाई क्वालिटी का इसका ऑडियो। मैंने जब टेस्ट किया था मुझे फील हुआ था, आप कमेंट से बताना कैसे इसका ऑडियो क्वालिटी है। एंड अब मैं काम करता थोड़ा सा दूर जाता हूँ, अभी मैं तकरीबन 15 फीट दूर आ चुका हूँ गाइस। अभी आप देखिए क्वालिटी कैसा आ रहा है ऑडियो का, आ भी रहा है कि नहीं आ रहा आप कमेंट से बताना, क्योंकि इतना दूर में ऑडियो कैप्चर करना तो बहुत बड़ा बात है। आउटडोर में वैसे ही इतना सारा नॉइज आता है, मैं आपको इंडोर का भी ऑडियो टेस्ट दूंगा तब आप प्रॉपर रिजल्ट कर सकते। तो गाइज़ इससे पहले कि मैं आपको नाइट विजन दिखाऊं, मैं आपको चाह रहा था कि एक बार प्रॉपर डे विजन का फुटेज दिखा दूं इस कैमरे का। देखिए गाइज़ जैसे ये कैमरा मेरा अभी मैंने बाहर लगाया हुआ है, सुबह का 10:27 हुआ है अभी। आप देख सकते हैं क्वालिटी कैसा है, फील्ड ऑफ व्यू कितना अच्छा है इसका, आप देखिए कवरेज देखिए ऊपर से लेके नीचे तक रियल टाइम में आपको मैं बता रहा हूँ। आप FPS देखिए इसका, 25 FPS में इसका स्मूथ रिकॉर्डिंग हो रहा है। और मैंने आपको मतलब ये बताना चाहता हूँ कि इसको मैंने जो कनेक्ट किया है गाइस एक NVR से नहीं किया है। आप सोचेंगे कि यार IP कैमरा है तो NVR से नहीं किया तो किससे किया, तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ इसको मैंने किया है अपने स्मार्ट DVR से कनेक्ट, जिसका मॉडल नंबर है IDS7208HUHI M1FA। बहुत ही ज़्यादा शानदार DVR है ये, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट मैंने इसका बेचा है। मैक्सिमम मेरा 95% सेल जो है एनालॉग कैमरा का, जिसमें लोगों को हाइब्रिड सॉल्यूशन चाहिए या फिर स्मार्ट DVR चाहिए जिसमें ऑडियो का सपोर्ट हो, 8 MP कैमरा का सपोर्ट हो या फिर IP कैमरा का सपोर्ट हो, तो इस DVR में मैंने इस पर्टिकुलर कैमरा को कनेक्ट किया है। 3 लाइन का IP कैमरा है, बड़े ही आराम से चल रहा है, आप देख पा रहे हो। एंड अगर आपको उसका वीडियो देखना है अलग से तो ऊपर आई बटन में क्लिक कर लीजिए, मैंने उसके ऊपर में अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको अपने इसका प्रॉपर एक नाइट विजन डेमो आपको दे देता हूँ। अब देखिए मैं आया हूँ अपने टेरेस पे आप लोग के लिए, क्योंकि पिच ब्लैक मुझे मिल ही नहीं रहा था, नीचे स्ट्रीट लाइट वगैरह आ रहा था। अभी टेरेस पे आप देखिए मैं अपना फ़ोन को अपने फेस पे रखा हूँ ताकि आप देख पाओ मेरा फेस क्लैरिटी से। आप सोच सकते कितना अंधेरे पे हूँ, मेरा फेस पे देख कितना ब्लैकनेस है कुछ भी। यहाँ पे मैं थोड़ा और दूर जाके दिखा देता हूँ आपको, पिच ब्लैक है गाइस, आपको शायद मेन फ्रेम में कुछ नज़र भी नहीं आ रहा होगा, आ भी रहा होगा तो बहुत कम आ रहा होगा, क्योंकि पिच ब्लैक है यहाँ पे। ठीक है, मतलब लिटरली मेरा कदम भी जो है देख के चलना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश वगैरह की वजह से भी काफ़ी यहाँ पे गिरने का डर रहता है। अब आप देखिए अब मैं स्विच कर रहा हूँ अपना मेन कैमरा से, अपना जो कैमरा रिव्यू कर रहे हैं उसको। तो गाइज ये देखिए ये क्वालिटी है अपना इस छोटू सा कैमरा का, जिसने धमाका मचा दिया है। मैं अपने फ़ोन पे एक्सेस ले रखा हूँ इसका एंड इसको मैं देख रहा हूँ गाइज, व्हाट एन अमेजिंग क्वालिटी गाइज। आप पीछे का स्काई देखिए,
ऐसा लग रहा है कि आईफोन या फिर सैमसंग का जो एक्सपेंसिव फ़ोन होता है उस पर हम लोग जब वो नाइट मोड जब ऑन कर देते हैं, जिससे कैमरा जो है अपने AI यूज़ करके ब्लैक से भी अपना जो डेटा है उसको ले सकता है, निकाल सकता है। अब देखिए ब्लू कलर देखिए गाइज, मतलब मैं तो गाइज सीरियसली आई एम शॉक्ड। आप देखिए पीछे वहाँ पे एक छोटा सा लाइट है, उसका इंटरफेरेंस भी इसको इशू नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके लिए वो WDR है, इसका ट्रू WDR है। उसके वजह से कैमरा जो है कितना बेहतरीन काम कर रहा है। अभी देखिए अभी मैं कैमरा से 6 से 7 फीट दूर हूँ। क्वालिटी देखिए बहुत बहुत शानदार क्वालिटी है, इससे ज़्यादा ब्लैक आपको कोई मिलेगा नहीं, प्योर ब्लैक है अभी यहाँ पे। अब मैं थोड़ा आगे जाकर आपको दिखा देता हूँ गाइस। देखिए अभी मैं तकरीबन तकरीबन 25 से 30 फीट दूर आ गया हूँ कैमरा के। क्वालिटी देखिए गाइस, फील्ड ऑफ व्यू देखिए, वाह रे वाह, है ना कमाल का कैमरा। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ गाइस, नाइट विजन में मैंने बहुत हाई एंड कैमरास देखे हैं, इनफैक्ट बहुत ब्रांड्स के कैमरा देखे हैं मैंने, लेकिन इतना लो नॉइस के साथ इतना अच्छा फील्ड ऑफ व्यू और इसका परफॉर्मेंस देखिए गाइस, बताइए आपको कैसा लग रहा है। मैं तो गाइस बहुत शॉक्ड हो चुका। आप फील्ड ऑफ व्यू देखिए गाइस, यहाँ पे देखिए, पहले मैं साइड आ जाता हूँ, काफ़ी कीचड़ रखे हैं यहाँ पे। तो देखिए गाइस यहाँ पे आप देखिए सनी भाई बगल में खड़े कैमरा के, बट उनके फ्रेम पे नहीं आया क्योंकि उसका फील्ड ऑफ व्यू अपन मेन कैमरा का फील्ड ऑफ व्यू से भी ज़्यादा था। यहाँ पे देखिए गाइस आपको नज़र आ रहा है ना पीलापन, ये पीलापन नहीं है, ये जो नॉर्मल नीचे का जो लाइट होता है कॉरिडोर्स का, उसका लाइट का रिफ्लेक्शन है, हल्का सा है। यहाँ पे हम नॉर्मल लाइट से देखेंगे तो हम इसको ब्लैक ही बोलेंगे, अंधेरा ही बोलेंगे इसको, फिर भी आप कैमरा में देखिए ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे सुबह हो रखी है अभी। गाइस आप कैमरा में देख सकते हो 7:15 हो रखा है, और आप क्वालिटी देखिएगा इस कैमरा का, मैं सच में आश्चर्य हूँ। 3 लाइन प्रोजेक्ट का 3 लाइन का क्वालिटी देख के मैं खुद शॉक तो रखा हूँ गाइस, इतना बेहतरीन क्वालिटी, बाप रे बाप गाइस। पीछे का आसमान देखिए गाइस, बाप रे ये तो आश्चर्य करने वाला चीज़ हो गया। वो आसमान को देखिए गाइस, क्या क्वालिटी है आसमान की, वाह सीरियसली गाइस ऑसम कैमरा है ये, जिसका बजट थोड़ा अच्छा हो, जो हाई एंड में जाना चाहता हो, 3 लाइन में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा आपको उसका रेवेन्यू देता है, उसका इम्पोर्टेंस नज़र आता है। डेफिनेटली हर टाइप के सेगमेंट होते हैं, हर टाइप के कस्टमर होते हैं, लेकिन 1 लाइन का जो कलर व्यू कैमरा है और जो ये वाला कैमरा है, सच में गाइस बहुत डिफरेंस है, मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे गाइस देखिए ऊपर में वो देखिए वहाँ पे देखिए टंकी में सिंटेक्स लिखा हुआ है, हम देखने से भी हमें ध्यान से नज़र नहीं आते, लेकिन कैमरे में उसको भी उसका कलर भी कैमरे ने निकाल दिया है। तब सोच के देखिए गाइस कंपनी कितनी मेहनत करती है आपके लिए। 3 लाइन का कैमरा ऐसी कंपनी नहीं बोल देती है कि बढ़िया होता है या दाम ज़्यादा होता है, क्वालिटी भी कंपनी देती है। मैं तो सच में छोटा पैक बड़ा धमाका हुआ गाइस, आई एम रियली शॉक्ड। ये तो मतलब DSLR बोलिए या आईफोन बोलिए, बहुत बहुत गुड, बहुत ही अच्छी क्वालिटी गाइस। आप देख सकते हैं क्लोजअप में कैसा क्वालिटी आ रहा है, पूरा क्वालिटी को आप देखिए, वाह। अब आप सोचिए 3 लाइन का 2 मेगापिक्सल का ये हाल है, तो 4 का क्या होगा, 6 का क्या होगा, 8 का क्या होगा। और सबसे अच्छी बात है मेरे कुछ आने वाले वीडियोस में मैं आपको 5 MP का भी वीडियो बना के दूंगा, 8 MP का वीडियो बना के दूंगा। हालांकि वो कलर व्यू नहीं है, कलर व्यू का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, पर डेमो के लिए मैं आपको 5 MP 8 MP भी दूंगा। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं आपको कलर व्यू वाले मॉडल्स भी आपको बना के दूंगा, लेकिन आपको ये जो मैं क्वालिटी दिखा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने अपने लाइफ में कलर व्यू कैमरा का इतना बेहतरीन क्वालिटी मैंने खुद एज अ यूज़र ऑब्जर्व किया है। तो गाइज अब मैं आपको इसका इंडोर ऑडियो टेस्ट दे रहा हूँ। ये कैमरा इतना छोटा सा इसका वो है फुटप्रिंट है, आप इंडोर भी इसको लगा सकते हैं, हालांकि इसका डोम वर्जन भी अपने पास अवेलेबल है। तो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ इसका ऑडियो का क्वालिटी, ठीक है। अभी ऑफिस में अपना नॉर्मल ऑफिस है, AC चल रहा है एंड फैंस फिलहाल बंद है, तो आप देख के बताएगा, सुन के बताएगा क्वालिटी कैसा आ रहा है। एंड अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है गाइज, तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत इजी नहीं है आप लोग के लिए कंटेंट निकालना, बहुत चैलेंजेस होते हैं, बहुत टाइम को एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैं ट्राई करता हूँ आपको अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट, डिफरेंट टाइप का, सस्ता महंगा, सब टाइप का प्रोडक्ट लाने का। तो अगर आपको ये एफर्ट्स अच्छा लग रहा है, सिंसियर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
और सनी भैया को मेरे को कमेंट में कीजिए गुड वर्क, थैंक यू, इस टाइप से लिखे के हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम जो इतना मेहनत कर रहे हैं, कैमरा को पहले छत पे सेट करना, उसका अलग से वायरिंग करना, उसको पीयूवी में कनेक्ट करना, फिर कैमरा को खोल के इंडोर लगाना ताकि आपको इंडोर का दिखा सकें, आउटडोर लगाना, डे का टेस्ट, नाइट का टेस्ट, इसलिए करते हैं कि आप लोग को एक ऑनेस्ट, एक कंप्लीट रिव्यू मिले जो आपको और कोई चैनल में नहीं मिलता है। तो प्लीज़ उस बात का आप ज़रूर जो है ध्यान रखिएगा। तो अब मैं ऑडियो स्विच कर रहा हूँ अपना कैमरा में। तो भाई अभी मैं कैमरा से तकरीबन 6 फीट दूर हूँ। क्वालिटी देखिए कैसा है। सबसे पहले आप एक नोटिस कीजिए इस चीज़ को, इसका फील्ड ऑफ व्यू देखिए कितना वाइड फील्ड ऑफ व्यू है। ऐसा क्यों? क्योंकि गाइस इसमें जो एमएम का जो कंपनी बताती है वो ट्रू होती है, यानी कि इसमें कोई फॉल्स या कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं चलती है। कोई भी प्रोजेक्ट लेवल, प्रोजेक्ट लेवल मतलब क्या हुआ, कंपनी जैसे कि सरकारी कंपनी हुई, रेलवेज हुई, ये सब जो एजेंसीज होती है इनको एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट दिया जाता है। हमारे पास जो BOQ आता है, यानी कि जो हमारे पास आप कह सकते हैं हम लोग जब जेम में काम करते हैं, जेम हुआ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उसमें हम लोग को बोला जाता है ये स्पेसिफिकेशन, सेंसर का ये साइज, ये फीचर, ये जो भी ऑनबोर्ड स्टोरेज, कलर नाइट विजन, जो भी चाहिए। और उसका वेरिफिकेशन होता है, हम लोग को प्रूफ देना पड़ता है, इसका टेस्टिंग होता है, हम लोग को प्रूफ देना पड़ता है कि हाँ आपने जो रिक्वायरमेंट मांगा है, कंपनी ने इसको स्टडी किया, ये इसका रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही जो है सबमिट कर पाते हैं। तो प्रोजेक्ट लाइन मतलब ये कंपनी एक एक चीज को जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, ठीक है। कंज्यूमर लाइन में जो होते हैं वन लाइन टू लाइन, उसमें क्या रहता है कि कंपनी का कोई भी कंपनी उसका एक फोकस रहता है कि हमें सेल्स पे ध्यान देना है, तो वो क्वालिटी भी अच्छी है उस पैसे के हिसाब से। लेकिन अगर कोई आदमी थोड़ा अच्छा प्रोडक्ट में जाना चाहे तो वो हमेशा 3 लाइन को ही प्रिफर करेगा। तो अभी आप ऑडियो जो सुन रहे हो सारा सारा आप इसमें सुन रहे हो, कैसा लग रहा है आपको ऑडियो बताया गया? 6 से 7 फीट में खड़ा हूँ, नॉर्मल वॉइस में बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत चिल्ला के बोल रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि मैं धीरे धीरे विस्पर कर रहा हूँ कि सनी भैया इनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ऐसा भी नहीं है। तो नॉर्मल जो टोन में बात करते हैं हम लोग, उसी टोन में आपसे बात कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ा एक काम करता हूँ, पीछे जाता हूँ, पीछे जाकर आपको सुनाता हूँ क्वालिटी कैसा आ रहा है। अब भाई ये चीज मैं सुना नहीं, एडिटिंग के बाद मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो को, आपको कमेंट से बताना कि ऑडियो कैसा आ रहा है इसका, ठीक है। अभी मैं गाइस काफी दूर आ चुका हूँ कैमरा से, अभी मैं तकरीबन तकरीबन 25 फीट दूर आ चुका हूँ। आप क्वालिटी देख के बताइए कैसा आया है। आई होप आपको ऑडियो सुन के अच्छा लग रहा हो, क्योंकि कंप्लीट अभी ये इनबिल्ट, जैसे आउटडोर का नॉइज ज्यादा नहीं आ रहा हमारे ऑफिस के अंदर में। प्रिया आज कितना ऑर्डर कर फोन किया? बोल 12 12 नहीं, 2 कन्फर्म किया, कैमरा में झूठ बोला था। जैसे आज अपना 2 ऑर्डर कन्फर्म हुआ, ये देखिए हंस पड़ी। अब आप देखिए ये कन्वर्सेशन नॉर्मल वॉइस में बात कर रहे हैं, तो आप सुनेंगे ऑडियो में कैसा आ जाता है क्वालिटी, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, थोड़ा अंदर जाता हूँ, यहाँ तो मुझे लगता नहीं कि इतना दूर ऑर्डर तो आ ही नहीं सकता है, फिर भी मैं देख लेता हूँ। अभी जैसे गाइस मैं खड़ा हूँ तकरीबन 35 से 40 फीट के दूर पे, क्वालिटी देखिए आप कैसा आ रहा है, इमेज क्वालिटी देखिए, ऑडियो क्वालिटी सुनिए, आप मेन फ्रेम में कंपेयर कीजिए, सनी भाई जी ने शूट कर रहे हैं उसका क्वालिटी कैसा आ रहा है। इतने अंदर आने के बाद भी क्वालिटी कैसा आता है आपको रियल लाइफ एग्जांपल जो देखने को मिल रहा है। आप बोलेंगे कि सर अगर मैं कैमरा बाहर लगा दूं अंदर कैसा, तो मैं एक काम करता दरवाजा ही बंद कर लेता हूँ, फिर देखिए अंदर में कोई आदमी बात कर रहा है तो आपको बाहर तक ऑडियो जाता भी है कि नहीं जाता बताएगा। मुझे तो नहीं लगता जाएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, फिर भी ट्राई करना अपना काम है, रिव्यू करना अपना काम है। अभी देखिए अभी मैं खड़ा यहाँ पे क्या ऑडियो आ रहा है, नहीं आ रहा है मेन फ्रेम में, ये समझना पड़ा, ये समझना पड़ा तो बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे पूरा इंडोर दिखा रहा है, आई डोंट थिंक सो, नहीं यहाँ का बात किया होगा आपको वहाँ पे नजर आएगा, ये तो इम्पॉसिबल होना चीज है, बट ठीक है ट्राई करना पड़ता है। अगर ऑडियो आ गया है तो बहुत ही बढ़िया चीज है भाई, तो मतलब अल्टीमेट कैमरा हो जाएगा, नाइट विजन भी बढ़िया है, ऑडियो भी बढ़िया है। तो आई होप गाइस इसका ऑडियो का आपको इन डेप्थ टेस्ट का एनालिसिस मिल गया है। मैं काम करता हूँ कैमरा के आगे भी चला जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। अभी जैसे गाइस मैं कैमरा के बहुत आगे खड़ा हूँ, आप देखिए क्वालिटी कैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, लैग देखिए लैग है या नहीं है ऑडियो में, तो ये एक रियल लाइफ टेस्ट है। मतलब आप समझिए ये कैमरा आपने अपने ऑफिस में लगा दिया है, घर पे लगा दिया है, आउटडोर का मैंने आपको टेस्ट दे दिया, इंडोर का टेस्ट दे दिया है, कलर नाइट विजन का टेस्ट दे दिया हूँ, डे विजन नाइट विजन जो आपका रियल आउटपुट है वो बता रहा हूँ। एंड गाइस एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ इस कैमरा का, मैं इसको जब टेस्ट करने के लगाया था इस कैमरा में नाइट विजन ऑन ही नहीं हो रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि
हम वेट कर रहे थे कि कब इसे नाइट विजन ऑन होगा, कब इसे टेस्ट कर पाएंगे, कब इसे फुटेज ले पाएंगे, लेकिन ऑन ही नहीं हो पाता। इसका मतलब क्या, हमने अपना एरिया को पूरा ब्लैक कर दिया, हमने सामने वाला के एरिया को पूरा ब्लैक कर दिया, लेकिन रोड का जो लाइट था उससे भी ये, और बिल्डिंग का जो नीचे का लाइट था उससे भी ये डे विजन में था, मतलब नॉर्मल डे विजन में था, नाइट विजन में स्विच नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, कैमरा बहुत ज्यादा जो है ऑप्टिमाइज्ड है, नाइट विजन कब होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैमरा बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। एंड जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया था और इसमें या और कोई भी ब्रांड ने आप पकड़ी है, उसमें अजीब से एक नॉइज आता है, देखिए ग्रेन नॉइज बोलते हैं हम लोग उसको टेक्निकली, वो ग्रेन नॉइज आता है, दाना दाना ऐसे आ जाता है। इसलिए मैं कभी भी आप लोग मुझे फोन करते हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सर आप कलर नाइट विजन कैमरा ले ले सकते हैं, लेकिन आपका अगर पिच ब्लैक रूम है, जैसे कि गोडाउन हुआ, वेयर हाउस हुआ, गैरेज हुआ, जहाँ पे आप लाइट कंट्रोल कर सकते हो, लाइट आप ऑफ करोगे तो लाइट ऑफ हो जाएगा, लाइट ऑन करोगे तो लाइट ऑन हो जाएगा, वैसे सिचुएशन में आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप लोग प्लीज कलर नाइट विजन लीजिए। लेकिन आप अगर रोड साइड अपना बाउंड्री में लगाओगे कलर नाइट विजन, तो साइड का जो व्हीकल है, स्कूटी बाइक कार, उससे इसका इंटरफेरेंस होगा, स्ट्रीट लाइट पड़ोसी का लाइट उससे भी इसमें इंटरफेरेंस आता है। लेकिन ये जो कैमरा है इसने मेरे को वाकई अचंभित करके रख दिया है, मैं बहुत शॉक्ड हो रखा हूँ कि इतने कम पैसे में इतना बेहतरीन फीचर्स 2 मेगापिक्सल ने धमाका कर दिया है। तो गाइस जैसे मैं आपको बता रहा था, ये देखिए मेरे अपने पास इसमें शुरू में भी कहा था 5 MP का कैमरा है, 8 MP का कैमरा है, ये सब जब कैमरा से वीडियो बनेगा तो आप सोचिए क्या धमाकेदार आउटपुट निकलेगा उसका, 2 MP में ये हाल हो गया है। तो ये सब वीडियो देखने के लिए भी आप चैनल को जस्ट कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को प्लीज गाइज लाइक कर दीजिए। तो गाइज कैसा लगा है धमाकेदार कैमरा? गाइज ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं तो हिल गया हूँ, 2 मेगापिक्सल का कैमरा है लेकिन 4 जैसा क्वालिटी देखने को मिल रहा है, कलर व्यू होते हुए भी कोई नॉइज़ मेरे को नज़र नहीं आया है। लेकिन पहले जो मैं कैमरा टेस्ट कर रहा था कलर व्यू कैमरा, उसमें आप खुद जाके देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ग्रेन नॉइज़ आता है। इसमें इतना ज़्यादा इन्होंने WDR टेक्नोलॉजी यानी कि वाइड डायनेमिक रेंज टेक्नोलॉजी यूज़ किया था, तो मैं तो मतलब ऑनेस्टली बोल रहा हूँ एस्टोनिश्ड रह गया। एंड आप देख सकते हो मेरा कैमरा कहाँ पे लगा था, किस हाइट पे लगा था और कितना दूर तक कितना क्लैरिटी के साथ इसमें आ रहा था, डे में भी नाइट में भी, ऑडियो टेस्ट भी आपको पता चला बहुत बहुत बढ़िया ऑडियो क्वालिटी है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको इस तरह का और हाई एंड कैमरा चाहिए तो अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो मैंने जो शुरू में आपको दिखाया था 4 MP IP एक्यूरेसी का, उसका वीडियो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, इसको भी आप चेकआउट कीजिए और चैनल को आप सबसे यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जो मैंने कहा था कि मैं इसका 5 MP का कैमरा या 8 MP का कैमरा का ऊपर जो वीडियो बनाऊंगा तो उसको भी आपको अपडेट जो है मिल जाएगा। इसी के साथ वीडियो को जो एंड करते हैं।